कर्नाटक विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन द्वारा ऑल ओवर स्टेट में हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये स्ट्राइक कहीं को कर रहे बोले तो अभी ऑलमोस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो भी आप है वो टोटली मोबाइल में काम कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप स्कैनर प्रिंटर में। बट वो गवर्नमेंट से कौन सा भी फैसिलिटी हमारे को अभी तक नहीं दिए, बट काम उसमें करना पड़ रहा है। हम बाहर से कैसा तो करके हमारा मूल पेमेंट से सैलरी से पैसे डाल के हम काम करें तो भी शाम तक है ना वो काम कहीं को नहीं होता। ऐसे बिल्कुल दबाव ऊपर डाल के हमारे को ऑल ओवर स्टेट में मिनिमम एक 50 विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डेथ हुए गए सो 3-4 साल में। ऐसा ये जो भी हमारा ऊपर दबाव है ये दबाव छोड़ना, इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट में अंतर जिला ट्रांसफर नहीं है, डेप्टेशन नहीं है, कौन सा भी हमारा डिपार्टमेंट नहीं, ऑल डिपार्टमेंट में है बट ओनली रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है। इसलिए हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और हमारा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को हमारा रिक्वेस्ट है, सर जो भी रहेंगे मिनिमम ये पति पत्नी प्रकरण तो इमीडिएट हमारे को परवानगी देना, नहीं तो हमारा बिल्कुल ये पूरा फैमिली बर्बाद हो रहा है इसके वास्ते। सो ये काम तो करना, और मैं डिपार्टमेंट में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी काम है वो टोटली सकाल में है, इन टाइम में काम करना, वो इन टाइम में काम करना सकाल में है। बट हमारा जो काम रहता है देखो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का, वो काम कौन सा भी सकाल में नहीं है, वो कहीं को वो सब टोटली फार्मर का और सार्वजनिक कितना भी लोग है पब्लिक का वो टोटली सकल में है। हमारा काम ही सकल में डालो ना, क्यों बोले तो एक आदमी 2 साल में एक पीपी कंप्लीट होना, वो 2 साल होते भी और 2 साल लेते हैं वो काम कंप्लीट करने को, और बाद में हमारे एक डीई बैठता क्या तो प्रॉब्लम हो गई सस्पेंड केस हुए तो डीई बैठता, वो डीई मिनिमम 1 महीने बस 1-8 दिन 1 महीना 2 महीने में वो सॉल्व करना, बट वो भी क्या करता मिनिमम 10 साल लेता। हमारा भाई छे इधर उनका 13 साल हो रहा है, कई को ये प्रॉब्लम 13 साल में वो डिप्रेशन में आके आदमी रहता कैसा, जिंदगी कैसा करता, उनका फैमिली में हैप्पी से कैसा जीता वो। इसलिए ऐसा डी रहने दे, हमारा टाइम ऑन रहने दे, हमारा ये जो भी प्रॉब्लम होंगे ये प्रॉब्लम में मिनिमम 50 लोग तो हमारा VA लोग मर गए, उसको सरकार कुछ नहीं दे। ड्यूटी में मरे तो मिनिमम हम सोशल वर्क करते, वो ड्यूटी में मरे तो मिनिमम 50 लाख तो उनको परिहार देना, परिहार भी नहीं दे रहे वो बहुत, हम मरे तो हमारा फैमिली को क्या रहता बोलो भैया। इसलिए हमारा रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और CM साहब को भी ये हमारा बिल्कुल बहुत रिक्वेस्ट है, इमीडिएट ये जो भी काम रहेंगे हमारे को सॉल्व करके ये स्पेशलिटी दे दो। ये स्पेशलिटी देने के बाद भी ये इमीडिएट हमारे को स्पेशलिटी दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो कल भी हमारा मुस्कर DC ऑफिस के आगे है, DC ऑफिस के आगे अनिर्दिष्ट अवधि मुस्कर हमारा टोटली ये मांग पूरी होने तक हम ये छोड़ते नहीं बोल के माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को हम ये माध्यम द्वारा से हम बोलना चाहते हैं।